आज का एडिटोरियल आपके सामने में है और हम लोग पहले वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग एग्जॉशन, ये वर्ड एग्जॉस्टेड से बना हुआ है और एग्जॉशन का मतलब द एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग अंटिल इट इज कंप्लीटली फिनिश्ड, किसी चीज को तब तक इस्तेमाल करना, पूरी तरह इस्तेमाल करके खत्म करने की स्थिति को या काम को हम लोग एग्जॉशन बोलते हैं। स्टैग्नेटिंग, स्टैटिक नॉट ग्रोइंग, बढ़ नहीं रहा है, रुक गया है। स्टैग्नेंट इसका वर्ड है ना, स्टैग्नेंट या स्टैग्नेट, स्थिर हो जाना, शिथिल पड़ जाना, ग्रोथ नहीं होना। रिजिलियंस, द एबिलिटी ऑफ पीपल और थिंग्स टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच एज शॉक इंजरी। एक्चुअली रिजिलियंट हम लोग मेटल में पढ़े थे, जिसको तुम मोड़ो फिर से अपना वो शेप वापस लेता है। अगर हम लोग उसको इंसानों के लगाएं तो बुरे स्थिति के आने के बाद अपने आप को तुरंत रिकवर कर लेना, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। उसका जो गुण होता है उसको रिजिलियंस कहा जाता है। रिजुविनेशन, किसी को ऊर्जावान, नया, यंगर महसूस कराना। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समबडी फील और लुक यंगर, लाइवली, मॉडर्न, ज्यादा ऊर्जावान, यंगर या मॉडर्न महसूस कराना, दैट इज रिजुविनेशन। फेड, धीरे धीरे खत्म हो जाना, गायब होना। चंक, चंक का मतलब होता है पार्ट, द पार्ट ऑफ समथिंग। इनकम्बेंट, प्रेजेंट ऑफिस होल्डर, बहुत बार आया है, अभी जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। लीप, अ बिग जंप, बहुत ज्यादा ग्रोथ। ए स्ट्रॉन्ग होल्ड, एन एरिया इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर बिलीफ और एक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ पोलिटिकल पार्टी। ए स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी भी पोलिटिकल, चूंकि जिस सेंस में लगा हुआ है ना उसी सेंस में मैंने दिया है मीनिंग। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है तुम्हारा मजबूत पार्ट, और या स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब कोई ऐसा एरिया जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है, उसका गढ़। असेंडेंस, राइज इन इन्फ्लुएंस और पावर, प्रभाव या शक्ति में बढ़ोतरी, दैट इज कॉल्ड असेंडेंस। नेक्स्ट, रिकूप, कूप होता है, दैट वी कॉल कू। जब सरकार को तख्ता पलट कर दिया जाता है, मतलब सैनिक विद्रोह हो जाए सरकार को, पाकिस्तान आदि में होते रहता है ये, तो उसको उसको हम लोग कू बोलते हैं। पी का उच्चारण नहीं होता, लेकिन रिकूप एक भर्व है, इसका ये इसमें कूप पढ़ते हैं, रिकू नहीं बोलते, रिकूप बोलते हैं। दैट इज टू रिकवर, दोबारा प्राप्त करना। सीमेंट एज अ भर मतलब होता है मजबूत बनाना। डिलीजेंट, अपने काम में बहुत केयरफुल और बहुत मेहनत से करने वाले को डिलीजेंट कहा जाता है। डिस्टिंग्विश, किस चीज का कोई कैरेक्टरिस्टिक होना, उसकी विशेषता होना, उसको डिस्टिंग्विश। क्रेडिबल, दैट कैन बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट सीम्स पॉसिबल दैट इट कुड बी सक्सेसफुल। क्रेडिबल का मतलब विश्वास करने लायक, ताकि लगता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नॉट विस्टैंडिंग देखना आप, प्रीपोजिशन है, मीनिंग इन स्पाइट ऑफ। हिंड्रेंस, बाधा, ऑब्स्टेकल। स्ट्राइव, टू मेक एफर्ट, प्रयास करना। आज से मैंने क्या किया है कि जो फ्रेजेज हैं उसको मैं अंतिम में डाल दे रहा हूं। रॉम्प होम विथ, दैट इज किसी रेस या कंपटीशन को बहुत आसानी से जीतना। एंड पुट द विंड इन वन सेल, टू सेट समथिंग इन वन फेवर, किस चीज को किसी के लिए फेवरेबल बना देना।